जीनियस पीपल, आज फिर से मजेदार पहेलियां आ गई है, तो तैयार। आज राहुल अपने कमरे में सो रहा था, उसका फोन चोरी हो गया। जब वो इंस्पेक्टर को बुलाता है, वो पूछता है तुम्हें किसी पे शक? तो वो कहता है हाँ, मुझे अपने बेटे हर्ष पे शक है, साथ में मुझे अपने दोस्त सोनू पे शक है, और मुझे अपने कुक पर भी शक है। उसके बाद पुलिस उन तीनों को बुला करके कहती है, बताओ तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? उसके बाद तीनों अपना आंसर देते हैं। सबसे पहले इनमें से हर्ष बोलता है, मैं तो क्लब गया था पार्टी करने, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसके थोड़ी देर के बाद ही पुलिस दूसरे आदमी से पूछता है, कुक कहता है मैं तो खाना बना रहा था सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। वहीं सोनू कहता है मैं तो घर पे टीवी देख रहा था, आई डोंट नो अबाउट दिस। उसके बाद पुलिस इन सभी के बातों को ध्यान से सुनने के बाद पता लगा लेती है इनमें से राहुल का फोन किसने चुराया। तो क्या आपको पता चल पाया? अगर हाँ तो आप अपना आंसर हमें नीचे कॉमेंट कर दीजिए। ओके, अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो सच में आपका आंसर सीआईडी जैसा है, चोरी हर्ष के लड़के ने की है, क्योंकि उसने कहा वो क्लब गया था पार्टी करने, जबकि वो तो इतना छोटा सा है, जबकि क्लब में तो 18 ईयर से नीचे के बच्चों को एंट्री ही नहीं मिलती है, तो भला ये क्लब में कैसे जा सकता, मतलब ये झूठ बोल रहा था। अभी नेक्स्ट बजट, अभी आपको ये तीनों ही लड़कियां देखने में एक जैसी लग रही होगी, लेकिन इनमें से आपको पता लगाना है कौन सी इमेज बाकी दोनों से अलग है, तो ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। ओके, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इन दोनों में से सेकंड वाली इमेज सबसे अलग दिखी होगी, आप यहाँ पे कमर पे देखिए, अगर हाँ तो आपकी नजरें सच में तेज है, और इस खुशी पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अभी नेक्स्ट बजट, अभी आप बताइए तीन अक्षर का है नाम, और पानी जैसा रूप, हवा तो इसकी मौत है, और जीवन गर्मी धूप, बताओ क्या है वो? एक बार ध्यान से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने इसका आंसर दे दिया है तो सच में आप जीनियस है, इसका आंसर है पसीना, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही कम लोग दे पाए। ओके, अभी आपको इन दोनों इमेजों को ध्यान से देखना और बताइए इन दोनों में से कौन सी लड़की पागल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पहली लड़की पागल है, उसके पीछे से बस आ रही है और वो अपना ध्यान फोन में है, जिस वजह से कि उसके एक्सीडेंट 100% है। वहीं अगर हम बात दूसरी लड़की करें तो वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती, हो सकता है वो गलती से सड़क पे आ गई है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इसमें आपका क्या मानना है, अपना आंसर कॉमेंट कर दीजिए। अगली पहली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले घंटी को भी जरूर